सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए मेरे साथ है नितेश गर्ग. तो अगेन नितेश गर्ग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ. नितेश अपना फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर चुका है सीए फाइनल के अंदर, सेकेंड ग्रुप अभी दे रहा है. बट जो फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने का जर्नी है नितेश का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऑडिट लॉ में नितेश ने बार बार एग्जाम्स दिए हैं और बार बार कंसिस्टेंटली लो मार्क्स सिक्योर किए हैं. एक समय ऐसा था कि ऑडिट के अंदर नितेश सिक्योर्ड 11 मार्क्स, राइट? बट कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो सेम हुआ नितेश के साथ. और इतने अटेम्प्ट देने के बाद काफी लोग हार मान जाते हैं, काफी लोग क्विट कर देते हैं. बट नितेश ने अगेन देखा, एनालाइज किया कि मेरी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है, और जिस ऑडिट में उसके 11 नंबर आए थे, उस ऑडिट में नितेश ने 67 मार्क्स सिक्योर करा है इन मे 19 अटेम्प्ट, और लॉ के अंदर ही है सिक्योर 66 मार्क्स. मतलब सोच के देखो यार, 67 इन ऑडिट, 66 इन लॉ. तो फर्स्ट सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू नितेश एंड टू योर एफर्ट्स. एंड नितेश, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करें, बिकॉज काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑडिट लॉ में मार्क्स नहीं ला पा रहे होंगे. तो मैं चाहता हूं आप गाइड करें, स्पेशली फॉर ऑडिट, कि वो 11 से 66 का जो जंप था वो कैसा था, राइट? ऑडिट एंड लॉ दोनों के बारे में आप गाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, बट स्पेशली ऑडिट के अंदर वो 11 से 66 का जर्नी बड़ा, 67 का जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू नितेश. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर। मैंने आपका सर संजीवनी परचेज किया था मई 19 के टाइम पे। वो फर्स्ट टाइम था, तब मेरे ऑडिट में फर्स्ट टाइम 56 मार्क्स आए थे। 56 जब मैं पास ही नहीं हो पा रहा था, जिस अटेम्प्ट में मेरे 56 मार्क्स आए थे, तो एक कॉन्फिडेंस से डेवलप हो गया। भले ही वो अटेम्प्ट में फेल हो गया था SFM के कारण, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बन गया कि अपने लो ऑडिट में 50+ मार्क्स आए हैं, तो अपन नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा करेंगे। तो मैंने आपका संजीवनी जिस टाइम पे परचेज किया था, तो मैंने संजीवनी अच्छे से किया था। संजीवनी के जो आपके शॉर्ट नोट रहते हैं, तो उस पर ही मैंने अपने भी छोटे छोटे नोट्स बना के फिर मैंने वही मटेरियल वापस से यूज किया सर, मेरे नवंबर अटेम्प्ट के लिए। और नवंबर अटेम्प्ट में मैंने एक लिंकेज सीखा था मैंने, कि लिंकेज करके अगर अपन पढ़ते हैं तो अपन एक बड़े सब्जेक्ट को बहुत छोटा बना सकते हैं, उसके अपन छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये रहती थी, मैं छोटे एक सब्जेक्ट के लिंकेज बना के छोटे पार्ट कर लेता था, जिससे कि सब मेरा लास्ट डे कुछ छूटे नहीं, सब मेरा रिवाइज हो जाए। बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी सर। और मैं सर आपके वॉइस क्लिप बार बार सुनता था। सर के वॉइस क्लिप चैप्टर्स रिकॉल करने में बहुत मददगार हो साबित हुए मेरे लिए, क्योंकि इससे क्या है, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है और आपको बस ज्यादा परेशानी नहीं आती। जब भी आपका मूड नहीं लग रहा हो, आपने वॉइस क्लिप सुन लिया बिल्कुल, तो अच्छे से आपका रिवाइज होता है। ओके तो वॉइस क्लिप बहुत हेल्प करते हैं। तो नितेश ने वॉइस क्लिप्स बार बार सुना. उसके अलावा नितेश, आपने कहा कि आपने ब्रेकअप किया, मतलब आपने डिवाइड कर लिया टॉपिक्स को, अकॉर्डिंगली आपने स्टडी करी है ना? तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को कि एक तो आपने किस तरीके से वो ब्रेकअप किया, इफ द स्टूडेंट्स कैन यूज. यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रोफेशनल एथिक्स, मुझे लगता था प्रोफेशनल एथिक्स सबका ही अच्छा होता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स में जैसा आप बताते हो कि एक बार क्वेश्चंस का चार्ट बना के और एक लिस्ट बना लो, ताकि एक बार ही आपको क्वेश्चन करना पड़े। तो मैं बेसिकली एक बार मैंने एक दिन बैठा और वैसे करके मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, है ना। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल एथिक्स और पीयर रिव्यू का बना लिया था, तो ये मुझे 1 घंटा भी नहीं लगता था रिवाइज करने में। तो एक तो ये बना लिया था मैंने कि ये 20 नंबर अपने सिक्योर हो गए। फिर सेकंड उठाता था कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट से ऑडिट में क्वेश्चन भी आता है और इससे आपका लॉ में भी कवर हो जाता है। तो मैं लॉ और ऑडिट का दोनों का मिक्स करके कंपनी ऑडिट पढ़ता था। देन फिर मैं उठाता था SA 200, SA 700 और रिपोर्टिंग वाला पार्ट उठाता था, कारो उठा लेता था, ताकि क्या है, यहाँ से आपके लिंकेज क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 240 फ्रॉड वाला, तो आपने कंपनी ऑडिट का किया है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ तक कवर हो जाते हैं, और यहाँ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी इतना अपन करते हैं तो कवर हो जाता है। उसके बाद मैं SA 600 पढ़ता था, 600 सीरीज। उसके साथ ही मैं इंटरनल ऑडिटर वाला चैप्टर है, वो इंटरनल ऑडिट में उसके साथ निपटा लेता था SA 600 के आती, और कंसोलिडेशन निपटाता था मैं उसके साथ। कंसोलिडेशन जनरली छूट जाता है, नहीं तो कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो मैं ऐसा करके निपटा लेता था। फिर उसके बाद मैं उठाता था SA 300 40 सीरीज, क्योंकि 300 अगर अपन लाइटली छोड़ देते हैं तो उसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं पेपर में, तो 300 उठाता था मैं। और उसके साथ में Chapter 2 और Chapter 3 जो अपने मॉड्यूल के है, प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वाले, वो चैप्टर कर लेता था उसके साथ, ताकि मेरा वो पोर्शन कवर हो जाए। उसके बाद मैं, मेरा फेवरेट SA सीरीज है 500, तो वो उठाता था।
और उसके साथ में स्पेशल ओडी टेक्निक जो चैप्टर है वो कर लेता था, तो मेरा वो चीज वहां से कवर हो जाता था। इस तरह से सर मेरे ऐसे कवर हो जाते थे और जो चैप्टर है वो कवर हो जाते थे। उसके बाद मैं उठाता था जैसे इन्वेस्टिंग ड्यू डेलिजेंस जो ये चैप्टर है वो उठाता था, है ना। सीआईएस ऑडिट में बस लेक्चर सुनता था, क्योंकि सीआईएस ऑडिट मुझे ज्यादा याद नहीं रह पाता था, तो बस मैं लेक्चर सुन लेता था और सीआईएस ऑडिट इस तरह से। बाकी और अदर ऑडिट के भी चैप्टर में सर लेक्चर से करता था और क्वेश्चन करता था, बस ये ओके स्ट्रेटेजी बना रही। तो जैसे नितेश संजीवनी ऑडिट वैसे 25 आवर्स का ड्यूरेशन है उसका, तो आपको उस यस कोर्स को सर, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? उतने ही टाइम में हो गया या फिर आपको ज्यादा टाइम लगे? आपको कितना टाइम लगा और उसके बाद अपने रिविजन्स किस तरीके से करे एग्जाम तक? हाउ डिड यू मैनेज मल्टीपल सर रिविजन्स? रियली बताऊं तो जैसे सब बोलते हैं कि लेक्चर एक साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिस टाइम पे मैंने संजीवनी मंगाया तो एक जुनून हो गया कि यार जाके जाए इसे पूरा करके फिर अपना पढ़ेंगे। तो मैंने 3 या 4 दिन में वो लेक्चर देख लिए थे पूरे और मेरे नोट्स बना लिए थे। उसके बाद मैंने 2-3 दिन वापस बैठ के सारे क्वेश्चन पढ़े ऑडिट के, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पढ़े जो रिपीटेड हो रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क करे। इस तरह से मैंने एक प्लान बना लिया था। और फिर आपके वॉइस क्लिप थे तो आपके वॉइस क्लिप में डेली बेसिस पर सुनता था। मेरा मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए वॉइस क्लिप सबसे ज्यादा सपोर्टिंग रहे है सर। ओके सबसे ज्यादा वॉइस क्लिप से सपोर्ट किया, क्लासेस आपने 4 दिन में कंप्लीट कर ली। मेरा यस नोट्स ऑलरेडी कंसाइज था बट आपने फिर भी अपने नोट्स और बनाए, मतलब उसको और सिंप्लीफाई किया, उसको और कंसाइज किया, राइट? यस और सर वॉइस क्लिप भी एग्जाम तक सुनते गए। उसके बाद नितेश आपने जैसे कहा कि आपने पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख लिए, आपने रिपीटेड क्वेश्चंस मार्क कर लिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया एक बार और जो भी अलग क्वेश्चंस वगैरह होंगे यस वो सर मार्क कर लिए, राइट? यस सर नितेश ऑडिट में आपने रेगुलर स्टडीज करी कि डेली आपको ऑडिट पढ़ना ही है, डेली आपको लॉ पढ़ना ही है, या फिर आपने अप्रोच ऐसा फॉलो करा कि 5 डेज ऑडिट कर रहा हूँ फिर 1 महीने बाद करूंगा? विच अप्रोच डिड यू फॉलो? नहीं सर, मैंने ऑडिट और लॉ डेली पढ़ा है, क्योंकि थ्योरी अगर अपन बीच में छोड़ देते हैं तो मेरा मानना है कि वो फिर वापस वो उठाते हैं तो सब नया नया ही हो जाता है उसका, भूल जाते हैं थ्योरी में। तो थ्योरी और मेरा थ्योरी बहुत वीक रहा है सर शुरू से ही। थ्योरी में मेरे कभी मार्क्स नहीं आए, आईपीसी में भी नहीं आए, तो इसलिए मैं थ्योरी से एक मार्क पास नहीं हो रहा था तो डर भी बैठ गया था कि प्रैक्टिकल में पास हो जाता हूँ थ्योरी में नहीं हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं थ्योरी डेली पढ़ रहा था सर। ओके तो डेली आप पढ़ रहे थे, तो आपको क्या ऑडिट लॉ आपने कितनी बार रिवाइज किया टिल एग्जाम्स? जैसे 25 घंटे में आपने क्लासेस कंप्लीट किया, उसके बाद आपने रिवीजन करना स्टार्ट किया, तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज्ड? सेल्फ रिवीजन कितना रहा और वॉइस क्लिप के थ्रू कितनी बार रिवाइज कर लिया? सर वॉइस क्लिप का कोई काउंट नहीं है कि वॉइस क्लिप से मैंने कितनी बार रिवीजन किया है, क्योंकि सर इतना अटेम्प्ट हो जाते हैं तो एक वो रहता है कि आपको टेंशन इतनी ज़्यादा होती है माइंड में कि आपको नींद तक भी आना बंद हो जाती है। तो इसलिए वॉइस क्लिप का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है कि मैंने कितने बार वॉइस क्लिप से रिविजन किया है। बाकी ये जरूर है कि मैंने जो डिटेल एक बार अपन पढ़ते हैं वो मैंने 2 बार पढ़ा था ऑडिट में। उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट बना लिए थे, बस मैं वो शॉर्ट नोट देखता था जल्दी जल्दी और बस ऐसे रिवीजन कर लेता था। और सबसे ज्यादा मैं शॉर्ट नोट के बाद वॉइस क्लिप सुनता था और वॉइस क्लिप के बाद मैं क्वेश्चन भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन से याद ज्यादा रहता है तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था सर। ओके एंड नितेश जैसे कि अब 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज भी आता है, राइट? तो आपका जो फोकस था वो कॉन्सेप्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव में था या कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज में था? आपने एमसीक्यूज में कितना फोकस किया, जैसे हजारों एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे या सिलेक्टेड बेसिस में करा या एमसीक्यूज में फोकस ही नहीं किया? व्हाट वाज योर अप्रोच रिगार्डिंग द एमसीक्यूज? सर एमसीक्यू मैंने इतने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। एमसीक्यू बस आप अपना मेंटर पे जो डालते थे वो इंस्टीट्यूट वाले, बस उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था और वो कर लिया था। मेरा मानना यूं था कि एमसीक्यू कहीं से भी बना सकता है, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता कि जगह से एमसीक्यू बन जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि कंसेप्ट अच्छे कर लेना चाहिए। कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो एमसीक्यू तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस इंस्टीट्यूट जो सैंपल पेपर वगैरह निकाल रहा है वो आपके अपना मेंटर पे वो एक साथ डाल देते हो आप पूरे, तो वही कर लिया था सर और ज्यादा नहीं किया था एमसीक्यू में कुछ भी, राइट, दैट कंसेप्ट इज ज्यादा नहीं समथिंग पढ़ा आई था। ऑलवेज से कि अगेन एमसीक्यूज के पीछे मत भागो, बिकॉज हजारों एमसीक्यूज में कोई एंड नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट करो, एमसीक्यूज तो अपने आप हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करो, वहां रिपीटेशन आता है, एमसीक्यूज में रिपीटेशन नहीं आएगा। और आईसीआई के एमसीक्यूज कर लो। और अब तो नितेश मैंने स्टूडेंट्स के लिए ना वहां रीजन भी डाल दिए, आईसीआई एमसीक्यूज के साथ वहां रीजन भी मैंशन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को वहां रेफरेंस में दिक्कत ना आए। उसके अलावा नितेश अगेन अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, जैसे आपने काफी बार पेपर दिया ऑडिट लॉ का, यस
तो उस वक्त आपने प्रेजेंटेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी थी, और जब आपने फाइनली आपके जब अच्छे मार्क्स आए, व्हेन यू गॉट वेरी गुड मार्क्स, तो तब आपने प्रेजेंटेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी थी, एंड व्हाट यू फेल्ट कि प्रेजेंटेशन से कितना डिफरेंस आया आपके मार्क्स के अंदर? सर, प्रेजेंटेशन से बहुत डिफरेंस आता है। प्रेजेंटेशन से आप लिख के क्या आ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले चीज आपको चीजें बहुत पता है, लेकिन आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन जैसे मेरा मई 19 में मैं करके आया था, तो मुझे ये बिलीव हो गया था कि मेरे ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स है 56 और 55, तो कि मैं प्रेजेंट ठीक करके आ रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन में पहले कभी भी मैं ऐसे लिख के नहीं आता था, जैसे केस स्टडी आती है तो फैक्ट ऑफ द केस, और फिर उसके बाद रिलेवेंट प्रोविजन, फिर उसके बाद कंक्लूजन। ये मैं पिछले अटेम्प्ट में इतना नहीं लिख के आया हूँ, जबकि लास्ट अटेम्प्ट में मैं इस चीज़ पे फोकस करता था। भले मेरे सर स्पीड में बहुत स्लो हूँ सर, तो मेरा क्या है पेपर बहुत कम अटेम्प्ट हो पाता है पूरा, तो मुझे ये रहता था कि पूरा अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट बार मैंने समझाया था कि यार ठीक है, अपना 92 का अटेम्प्ट हो गया तो भी अपन खुश रहेंगे। तो मैंने ये प्रेशर अपने माइंड पे क्रिएट नहीं किया पेपर में कि मुझे पूरा 100 का पेपर करना है। मैं और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकतर बच्चे यूँ करते हैं, पेपर में जाते ही MCQ स्टार्ट करते हैं। जाते ही कभी भी MCQ स्टार्ट मत करो, पहले आप कम्फर्टेबली 6 क्वेश्चन रहता है आई थिंक, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहे हो। 2 तो 2 क्वेश्चन आप अच्छे से बहुत शांति से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप और थोड़ा टाइम है तो और 3rd क्वेश्चन को भी हाफ स्टार्ट कर देता था मैं विद इन 1 आवर के अंदर। फिर उसके बाद मैं MCQ के लिए मेरे पास सफिशियंट टाइम रहता था, तो फिर मैं MCQ प्रिपेयर कर, फिर मैं MCQ देखता था। तो उससे क्या है, आपका थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहेगा कि आपने हाफ पोर्शन पेपर का निपटा लिया है, तो आप हाफ भी निपटा लोगे, तो आप MCQ में प्रेशराइज नहीं होंगे जब MCQ करोगे तो। ओके, एंड नितेश, लाइक 1.5 डेज जो था, 1.5 डेज में फिर जैसे आपने कहा कि आपने अपने नोट्स बना लिए थे, बिकॉज यार मेरा नोट्स अपने आप में इतना कंसाइज है कि काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर वेदर दैट इज सफिशियंट फॉर एग्जाम, और आपने उसको भी कंसाइज बनाया, आपने वॉइस क्लिप सुना, तो 1.5 डेज में आपको परेशानी हुई क्या कि हाउ यू मैनेज ऑडिट इन 1.5 डेज, हाउ यू मैनेज लॉ इन 1.5 डेज, और पहले जब आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे तब 1.5 डेज में आपको क्या परेशानी हो रही थी? सर, तब 1.5 डे में मुझे यूँ लगता था कि अभी वास्ट मटेरियल है तो पूरा मटेरियल ही एक बार तो देखना पड़ेगा, ये मेरी सोच थी। लेकिन जब मैंने आपके नोट्स वगैरह देखे तो फिर मेरी सोच ये बन गई थी कि नहीं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर अपन शॉर्ट रिवीजन। तो सर, मैंने कुछ अलग से नोट्स अपना नहीं बनाया था, मैंने आपके नोट्स के ऊपर ही अपने पॉइंट्स लिखे थे, ऐसा किया था सर, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए था। ओके, और क्वेश्चंस वगैरह जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते होंगे तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी दिखते होंगे जो शायद नोट्स में कवर्ड ना हो, राइट? तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे तो आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे या फिर मार्क करते थे क्वेश्चंस को, जो अलग होते थे उनको मार्क करते थे? व्हाट वाज द अप्रोच यू यूज्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस? सर, जो अलग क्वेश्चन होता था तो जैसे ऐसे का कोई अलग क्वेश्चन है तो वो मैं ऐसे के वहां पर ही लिख देता कि ताकि ये क्वेश्चन अलग है और ये मुझे एक बार फिर से देखना है, तो मैं अगेन उसे देखता था। तो कई बार तो मुझे क्वेश्चन नंबर से याद आ जाता था कि इस क्वेश्चन में ये वाली बात थी, और मैं क्वेश्चन के ऊपर भी लिख देता था अपनी राइटिंग में कि इसमें, ताकि क्या होता है सर, अपने पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि अपन सब कुछ कवर कर पाए, तो वह अपन क्वेश्चन के ऊपर ही शॉर्ट नोट लिख देते हैं ना, तो वह जल्दी जल्दी पढ़ने में आ जाता है और कवर हो जाता है आपका। ओके, ठीक है। इसके अलावा नितेश, अगर आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहो, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट द स्टूडेंट फ्रॉम योर साइड कि यू नो हाउ कैन दे अप्रोच टू गेट गुड मार्क्स, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपने मिस कर दिया अभी तक के कन्वर्सेशन में, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो? यस सर। सर, हमें लो ऑडिट में जो बहुत सारे लिंकेज चैप्टर है, जैसे बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये अपन इंश्योरेंस एक्ट वहाँ पर भी पढ़ते हैं, है ना, फिर इनके थोड़े लिंकेज क्वेश्चन वहाँ पर भी रहते हैं, तो इनको अपन को ऐसा करना चाहिए कि एक दिन बैठ गए, भाई लो में एक्ट में ये बोल रहा है, फिर ऑडिट में इस चीज को ऐसे करेंगे, ऐसे करके अपन लिंकेज करके अगर पढ़ेंगे तो अपना बहुत सारा मटेरियल कवर हो जाता है। तो एक तो हमें लिंकेज करके पढ़ना चाहिए, हमें बेसिकली इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, जितना हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे कवरेज बहुत अच्छा होगा सब्जेक्ट। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स के साथ पीयर रिव्यू इंटरलिंक कीजिए ताकि आपके पीयर रिव्यू छूटेगा नहीं, है ना। कंपनी ऑडिट के साथ लो वाली भी सेक्शन को इंक्लूड कीजिए ताकि आपका वो पोर्शन भी इसके साथ ही कवर हो जाए, है ना। और उसके अलावा जो अदर ऑडिट के, जैसे कॉस्ट ऑडिट हुआ, मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट ये हुआ, इसे ऐसे 600 के साथ इंटरलिंक कीजिए। सेबी LODR वाला चैप्टर है जो लो और ऑडिट दोनों का मिक्स कर सकते हो आप, सेक्शन 177 साथ में पढ़िए,
इस तरह से आप एक इंटरलिंक करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे इंश्योरेंस बैंकिंग जो चैप्टर होते हैं ये जनरली हम छोड़ देते हैं, लेकिन पहले इंश्योरेंस बैंकिंग आप लो का पढ़ लीजिए और फिर ऑडिट के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो उससे भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से इंटरलिंक करके हमें वो पढ़ना चाहिए, तो हम सारा कवरेज कर सकते हैं। जी नितेश ने काफी अच्छा कहा कि आपको इंटरलिंक करके करना चाहिए, तो काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं नितेश ने जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट? जैसे कि आपको इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए, आपको डेली बेसिस में ऑडिट पढ़ना चाहिए, आपको वॉइस क्लिप रेगुलर बेसिस में यूज करना चाहिए, अपने कंसाइज नोट बनाने चाहिए। तो काफी अच्छी अच्छी बातें बोली है नितेश ने, एंड अगर आप सुनेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नितेश फाइनली आप क्या ऐड करना चाहोगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि ओवरऑल किस तरीके से एक स्टूडेंट अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है, एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एनी मोर सजेशन दैट यू विल लाइक टू गिव टू अ स्टूडेंट? सर मेरा सजेशन बस यही है कि ऑडिट का आप पहले एक बार कोर्स कीजिए ढंग से, एक बार सब पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि कुछ आप छोड़ रहे हो, फिर उसके बाद उसे छोड़िए मत सब्जेक्ट को। ऐसा कि आप 15 दिन बाद उठा रहे हो, 20 दिन बाद, आप उसे डेली बेसिस पे एक घंटा या आधा घंटा, आपका एक घंटा नहीं दे पा रहे हो तो 45 मिनट या आधा घंटा दीजिए। उसमें आप वॉइस क्लिप सुनिए, रिवाइज कीजिए। जितना अपन वॉइस क्लिप सुनते हैं सर उतना ही रिकॉल होता है हमें, फिर बाद में जब अपन उस सब्जेक्ट को उठाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डेली ऑडिट और लोगों मत छोड़िए। ओके, नितेश ने अगेन कहा कि डेली ऑडिट लॉ को मत छोड़िए, बिल्कुल सही बात है। एंड नितेश प्रेजेंटेशन के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं कि प्रेजेंटेशन का कितना इम्पोर्टेंस रहता है एग्जाम के अंदर, एंड व्हाट डिफरेंस द प्रेजेंटेशन ब्रिंग्स? प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट किस तरह से करके आ रहे हो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जिस तरह से बताते हैं कि कोई भी केस स्टडी आई तो उसका रिलेवेंट फैक्ट, उसका रिलेवेंट प्रोविजन, ओपिनियन, ये सब अपन को लिखना चाहिए। ये जब मेरे बहुत कम नंबर आते थे तब मैं ये कुछ भी लिख के नहीं आता था, तब डायरेक्ट आंसर लिखाया, तो ऐसा नहीं होता है। वो आपके प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट अच्छा करके आओगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, सो थैंक यू नितेश कि आपने अपना टाइम निकाला, आपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से टिप्स दिए, अपनी जर्नी शेयर करी। योर जर्नी इज वेरी मच बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सेकंड ग्रुप पे भी क्लियर कर लेंगे विद वेरी गुड मार्क्स, एंड यू विल बी ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन योर लाइफ, राइट? सो अगेन मुझे भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि स्टूडेंट्स आपके टिप्स यूज करेंगे और ऑडिट लॉ में काफी अच्छे मार्क्स लाएंगे। और कितने लोग ऐसे हैं जो अगली बार चाहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूं एग्जाम के बाद, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली गिविंग ए कमिटमेंट कि सर अगली बार आपका इंटरव्यू हमारे साथ होगा, राइट? सो कमेंट में जरूर मेंशन करना, एंड नितेश के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज नितेश ने अगेन बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं यहाँ पे। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि काफी बार टेक्निकल इश्यूज आए थे हमें सेशन लेते हुए, लेकिन नितेश वॉज वेरी डेडिकेटेड कि नहीं सर कोई बात नहीं, कितने भी टेक्निकल इश्यूज आ जाए सेशन जरूर लेंगे, बिकॉज अगर एक भी स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है then in that situation wo session hum zarur lenge. So I'm again thankful to Nitesh for that as well, right? Thank you sir. So all the very best to you all, and umeed karta hu ki aap bahut acche se padhenge, mehnat karenge, and apne exams ko ek baar mein clear karenge. All the best, love you all, take care.